अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी प्राची की जिंदगी में सुकून लाती, बल्कि उसकी जिंदगी है, उसके बिना जीने का तो वो सोच भी नहीं सकती। ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर इनको अलग किया गया ना तो दोनों में से एक मर जाएगा, और मैं मेरी बच्ची को और तड़पता नहीं देख सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। खुशी प्राची के पास रहेगी, उससे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। खुशी हमारे परिवार की खुशी, वो हमारे साथ ही रहेगी। और रही बात अलग करने की, तो आप लोग खुशी को जब चाहे मिलने आ सकते हैं। तो ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि खुशी हमारे घर में रहेगी, आप लोगों को जब मिलना हो खुशी से आ सकते हैं। और एक दिन अगर अचानक प्राची का दिमाग खराब हो गया और खुशी को लेकर कहीं चली गई तो कहाँ ढूंढने जाएंगे हम उसे? अरे हमें तो पता भी नहीं चलेगा खुशी गई कहाँ। जैसे पिछली बार गायब हो गई थी। हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर गया, और रणबीर की हालत मुझसे पूछिए आप। सोता नहीं था वो, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि प्राची जिंदा नहीं है। और ये लड़की, इसने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, 6 साल तक गायब रही, इतना बड़ा सच छुपाया। इन 6 सालों में मेरे परिवार पर क्या गुजरी है सिर्फ मैं जानती। एक पल सुकून का नहीं जिया है हमने। So I'm sorry. इस बार सुकून से जीने का हक हमारा है। Sorry. मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी पलट के जवाब नहीं दिए। आपने जो कहा सब मान ली, पर ये बात नहीं मानूंगी। I'm so sorry प्राची, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, और मेरे परिवार की खुशियां तो मैं तुम्हें कभी छीनने नहीं दूंगा। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशी आई है, और तुम इसे भी छीनना चाहती हो हमसे? किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? ये सिला दे रही हो तुम मेरे प्यार का? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी खुशी दी नहीं। तुमने मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा बहुत तड़पाया है। हाँ, मुझे तुमसे छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमसे लड़ना पड़ता था, तुमसे झगड़ना पड़ता था, तब जाके मुझे छोटी खुशी मिली थी। अब ये खुशी मिल रही है, वो भी तुम छीन रही हो मुझसे। रणबीर, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स, काम डाउन, बहुत हो गया। अभी नहीं हुआ है बहुत, अभी बहुत होगा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीनने नहीं दूंगा। हमारा फैसला आप लोगों ने सुन ही लिया है। आई होप ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों की समझ में आ गई है। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। कोई फायदा नहीं, हमने भी फैसला कर लिया है। चलिए मम्मी, चलिए। चिंता मत कर, तू कमजोर मत पड़, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। खुशी तेरी है और तेरी रहेगी। एक दिन अगर अचानक प्राची का दिमाग खराब हो गया और खुशी को लेकर कहीं चली गई तो जैसे पिछली बार गायब हो गई थी। हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर गया। रणबीर की हालत मुझसे पूछिए आप। सोता नहीं था वो, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि प्राची जिंदा नहीं है। एक पल सुकून का नहीं जिया है हमने। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? ये सिला दे रही हो तुम मेरे प्यार का? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी खुशी दी नहीं। तुमने मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा बहुत तड़पाया।
क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या बचा है? और दिल दुखाना है मेरा, दिल तोड़ना है, भरोसा तोड़ना है, क्या करना है सुनाना है, और दुख देना है मुझे, रुलाना है, जो करना है करो, कर चुके ना सब, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। प्राची, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। I'm really sorry, मैंने ऐसा कहा कि तुमने मेरी खुशियां छीन ली, पर नहीं, तुम ही हो मेरी सारी खुशियों की वजह। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा चाहती हो कि मैं खुश रहूं, तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैंने जो गुस्से में बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए, तुम्हें हैंडल करने के लिए, समझने के लिए, संभालने के लिए मैं नहीं हुआ, मैं उसके लिए नहीं बैठी हूँ रणबीर। तुम्हें जैसे गुस्सा आता है ना, मुझे भी आता है, मैं भी बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं एनीवे अभी ना मुझे कुछ नहीं बोलना है, अगर बोलना है तो ये बोलना है कि तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज फॉर गॉड्स सेक जस्ट गो। प्राची, एक बार मेरी बात सुन लो, तुम एक बार सुनो तो सही। मैं दरवाजा उस तरफ से रखी, प्लीज आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। प्राची, अब कुछ नहीं बचा है रणबीर, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तुम्हें देखना है, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट गो प्लीज गो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।